तो लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के दौरान दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई नगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के समर्थन में प्रचार किया। सनातन को लेकर संतोष पांडेय के आरोप पर भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिलती है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भूपेश बघेल का चुनावी प्रचार यह देखने को मिला। गौहत्या और सनातन पर संतोष पांडेय के आरोप पर पलटवार किया है। संतोष पांडे जी को भाजपा कार्यालय नहीं, दिल्ली के कार्यालय नड्डा सामने प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने गौ मांस निर्यातक से 250 करोड़ रुपया लिया है नड्डा जी ने, है ना, और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने करना चाहिए, क्योंकि उसे चंदा लिया है और उसी चंदा के पैसे से ये झंडा बंधन भाजपा का वो उसी पैसा का है।